नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC न्यूज की हिंदी बुलेटिन। देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। छिंदवाड़ा के चंदन गांव में तेज गति से चल रही कार के डिवाइडर से टकरा जाने के कारण दो युवकों की जगह पर ही मौत हो गई। मृतकों के नाम संगीत मिश्रा और अर्पित चाचड़ा बताए जा रहे हैं। रात 12 बजे के करीब तेज गति से आ रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और दोनों युवकों की मौत हो गई। NBC न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट। हिंगनघाट तालुका के वनेर में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण नाले में बाढ़ आने से नागरिकों के घरों में पानी घुस गया। ये मामला वार्ड नंबर 5 का है। हालांकि नागरिकों ने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन देखने में आता है कि ग्राम पंचायत द्वारा इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। वार्ड क्रमांक 5 में अतिक्रमणधारियों का निवास है, इसलिए ग्राम पंचायत की ओर से दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में विकास कार्य कराकर नागरिकों की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। इस क्षेत्र में गरीब नागरिकों का आवासीय क्षेत्र है और उन्हें बाढ़ की स्थिति में बचाया जाए और नागरिकों के आने जाने के लिए नाली का निर्माण कर एक छोटा पुल का निर्माण किया जाए। 31 तारीख को उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गढ़ विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत सदस्य गुरुदयाल सिंह जूनी ने कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनके नेतृत्व में आज निवेदन दिया गया। उक्त ज्ञापन देते समय वडनेर के नागरिक एवं महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। ग्राम पंचायत वार्ड क्रमांक 5 के जे प्रतिनिधित्व करता गुरुदयाल सिंह जुनी, ते सुद्धा याच्यासोबत निवेदन द्यायला आले आहे। त्यांना विचारू काय काय म्हणजे समस्या काय का मार्गी आपण जे प्रतिनिधित्व करता ग्राम पंचायतचं वार्ड क्रमांक 5, त्याच्याबद्दल काय म्हणणं आहे, महिलांचं म्हणणं आहे का समस्या मार्गी लागलं, या समस्या मार्गी का बरं लागलं? मी प्रत्येक मीटिंगला, मार्शिंग मीटिंगला सचिव आणि सरपंच मॅडमला सांगतो की आपल्याला वार्डात काम करावं लागतात। मागच्या वर्षी पण त्यांची ही समस्या होती का छातीच्या वरतून पाणी निघत होता और मी एकटाच त्या पाणीमध्ये घुसून सर्वांची समस्या जाणून घेतली आहे। जाता येत नव्हतं, ह्याच वर्षी कधी पोल्युशन होती, आज कमरावर पाणी गेलेलं आहे, त्यांना जायला रस्ता नाही आहे। जे पूर्ण गावातलं जे पाणी आहे, एक नाला आहे, त्या नाल्यातून पाणी येतात आणि ग्रामपंचायत को ग्रामपंचायतनं सांगितल्यानंतर ही समस्या मार्गी लागणार नाही आहे, लागत आहे नाही, तेव्हा आपण उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन दिलं, याच्यानंतरही समस्या मार्गी नाही लागल्या तर आपलं काय पाऊल आहे? माझा एकच इच्छुक आहे की माझ्या वाड्यामध्ये जर हे लोक काम करत नसेल तर मी उपोषण मांडणार आहे। हे माझ्या बिलकुल आता मी धीर ठेवलेला आहे, मी लिहिलेलं आहे तिथं निवेदनमध्ये काही माझ्या वाड्यामध्ये ज्या लोकांची समस्या आहे पूर्ण होत नाही आहे, त्यासाठी मी वारंवार या जिल्हा आपला तहसील कार्यालयामध्ये येत आहो आणि राजकीय विरोध या लोकांनी केला नाही पाहिजे। तिथे सर्व लोक आपलेच आहे, गावातले लोक आहे, कारण हे त्यांचं म्हणणं पडत आहे की हे आबादी जागा बसत आहे, अशी आबादी जागा पूर्ण संपूर्ण जगामध्ये आहे, त्या लोकांना पण सुद्धा भेट मिळत आहे, या लोकांना का नाही? एकूणच ग्रामपंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 5 गुरुदयाल सिंग जुनी आहे, त्यांच्याकडूनही आपण प्रतिक्रिया जाणून घेतली आहे। त्यांचं म्हणणं आहे का माझ्या वार्डात त्या समस्या मार्गी लागत नाही आहे। उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन दिलं आहे, याच्यानंतरही समस्या मार्गी लागणार नाही, उपोषणासारखे मोठे आंदोलन करू अशी प्रतिक्रिया दिली। तहसील कार्यालय या परिसरात ग्रामपंचायत वंडेर येथील 5 वार्ड क्रमांक 5 मधील रहिवाशांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल आज उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन दिलं आहे। त्यांचं काय समस्या आपण काय समस्या आपल्या कुठल्या समस्येसाठी आपण इथे आहे? सर, प्रत्येक वेळा जेव्हा पाऊस पडते तेव्हा घरामध्ये छाती छाती पाणी जात असते आणि नाल्याचं रुंदीकरण नाही झाल्यामुळं प्रत्येक वेळी आमच्या घरामध्ये पाणी शिरत असते, प्रत्येकाचं नुकसान होते। ग्रामपंचायतच्या ज्या सरपंच आहेत त्या अजिबात आमच्याकडे लक्ष देत नाही, नेहमी म्हणत असतात की हे अतिक्रमणची जागा आहे, आमच्या हद्दीमध्ये येत नाही, आम्ही काही करू शकत नाही, बट प्रत्येक वेळी गुरुदार जे आहे आमच्या वार्डाचे सदस्य ते नेहमी आम्हाला मदत करत असतात। एक मला सांगा, याबद्दल ग्रामपंचायतला आपण तक्रार दिली याच्या आधी? हो सर, दिलेली आहे, पण आमच्याकडे लक्ष दिले जात नाही। जो प्रश्न आहे मार्गी लागला नाही सर, अजूनही नाही लागला, म्हणून आम्ही स्टेप घेते की इथपर्यंत आलो आहे। आपल्या काय मागण्या आहेत? आमच्या मागण्या महिलांना विसर आणतील काय म्हणजे काय समस्या आहे? आमच्या समस्या म्हणजे आम्हाला त्या नाळाचं रुंदीकरण करून पाहिजे, खोलीकरण करून पाहिजे आणि जात येण्यासाठी रस्ता नाही आहे। माझ्या घरासमोर खाट टाकलेला आहे, नेहमी प्रकृती बिघडत असते, वातावरण खराब झालं तर ह्या आमच्या समस्या यांनी सॉल्व्ह करून द्या। एकूणच जेव्हा आपण यांची प्रतिक्रिया घेतली आहे, गावकऱ्यांचा रोष आहे, महिला सरपंच आणि ग्रामपंचायतचे जे प्रतिनिधित्व करतात सरपंच त्याच्यावर त्याच्या ज्या समस्या अजून मार्गी लागल्या नाही, असंच काही म्हणणं आहे आमचं। NBC न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि नूरकर की रिपोर्ट। दिग्रस शहर में बाढ़ग्रस्तों का आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोमवार को मोतीनगर के सैकड़ों लोगों ने तहसील कार्यालय में पहुंचकर सर्वे को दोषपूर्ण करार देते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर रोष व्यक्त किया। पेशे दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की ये खास रिपोर्ट।
प्रशासन की उपेक्षा या नजरअंदाजी जब जनता के हक अधिकारों का हनन करती है तब जनता के सब्र का बांध टूटने में देर नहीं लगती। इसका जीता जागता नजारा सोमवार को तहसील कार्यालय में देखने मिला, जहां सैकड़ों की तादाद में पहुंचे मोतीनगर के बाढ़ग्रस्तों ने तहसील प्रशासन के सर्वे की कार्य प्रणाली को दोषपूर्ण करार देते हुए असल लाभार्थियों के बजाय फर्जी बाढ़ग्रस्तों को बाढ़ पीड़ितों की लिस्ट में शामिल करने का आरोप लगाया। इस जनाक्रोश में महिला बाढ़ पीड़ितों ने कथित सर्वे को सर्वे के नाम पर की गई धोखाधड़ी बताते हुए उनके साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ जमकर रोष व्यक्त किया है। जो नहीं है वो लोगों को अनाज पानी दे रही है, ये कौन सी वित्त है, ये कौन न्याय है, गवर्नमेंट ने दिया नहीं क्या, सब शिवता दी हमारे तक पहुंची नहीं, फिर हम क्या कर सकते हैं। हमको तो तहसीलदार का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। अब तहसीलदार जो है वो न्याय करेगा, हमारे लोगों को गरीबों को इंसाफ दिलाएगा, इसके आगे तो कुछ आता नहीं। हमारे अनपढ़ लोग, रोज मजूरी वाले लोग, क्या खाना, कपड़ा रहा नहीं, भांडे बर्तन रहे नहीं, घर रहा नहीं, कुछ ही नहीं रहा तो करेंगे क्या, क्या इलाज है, कहा है कोई मंत्री वंतरी संतरी, कोई नहीं काम में आ रहा, ना कोई मेंबर आ रहा, क्या फायदे की दुनिया है, दुनिया काय को बने, अंधी डिग्रस, सही बोला था गांधी बाबा ने, ये अंधी डिग्रस है, ये अंधी डिग्रस है। सुखे वालों को, टेकड़े वालों को अनाज मिल रहा, हमको वो भी अनाज नहीं मिला। हमको पापा अनाज हमारे घर तक पहुंचा दिए, बस हमारा पेट भर गया, हमारा मुकानी वाला छीन के तुमने लोगों को बांट दिए, ये कौन सा इंसाफ है बाप, हाथ जोड़े पीछा छोड़े गवर्नमेंट से भी। हमारे यहाँ पटवारी लिखकर लेके गया और ये काटे कैसा, पटवारी को बुलाओ, पटवारी को बुलाओ, पटवारी ने लिखकर लेके गया, हमारे नाम क्यों नहीं आए, गरीबों को मुंह मार के किसको दे रहे तुम, हमारे जो घर में बह के जा रहे वो लोग बाहर रह रहे, जो लोग का नाम नहीं है वो लोगों के हमारे घर पे लोगों का कूपन डाल के पैसा दे रहे। हमारे शरीर में है लेकिन हमारे घर में पानी आया, हमको पैसे नहीं मिले, ना कुछ नहीं मिला, और जिसके घर में न्याय है उसको पैसे मिले, अनाज मिला, हमने क्या खाना सर, तुम बोलो, तुम डिसाइड करो। तुम्हारे गिर गिर का अंदर बुला रहे तो आके देख रहे नहीं, बाहर वाला कोई भी रोड पर लिख रहा ना तो उसका लिख के चले गए। हम इतना बड़ा जान खरक के कि पहले तुम तुम्हारे नजरों से देखो बाद में दे, फिर भी मानने को खाली नहीं, दुनिया सर दुनिया का वहाँ के हाथ लिख रहे उनको दे दे रहे, और हम बोल रहे ना तो तुम गाय को इतना कर रहे, लोगों का फायदा होने दो ना, उनका फायदा हो रहा, हमारा इतना मेरे नवे दुल्हन का जितना नुकसान होगा, 2 महीने हो रहे मेरे बच्चे के शादी को, सब हमारा सब बह के चलेगा सारा, देखो तुम। मोतीनगर की बाढ़ पीड़ित जनता के आक्रोश और शिकायत का संज्ञान लेते हुए तहसीलदार अक्षय रासने ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले में किए गए सर्वे और पंचनामे की जांच कर जो वाकई में पीड़ित है उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। दिग्रस शहर के बाढ़ पीड़ितों पर पहले बाढ़ का कहर टूटा लेकिन अब उन्हें सरकारी सर्वे में स्थानीय प्रशासन द्वारा किए गए अन्याय का भी खामियाजा चुकाना पड़ रहा है। फर्जी बाढ़ पीड़ितों को लिस्ट से हटाकर असल लाभार्थियों का सर्वे दोबारा करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए तहसील प्रशासन क्या रुख अपनाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट। संभाजी पीड़ित द्वारा अपने अमरावती दौरे के दौरान महापुरुषों के बारे में दिए गए बयान के बाद आज कांग्रेस पार्टी की ओर से अमरावती के कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया गया और संभाजी भिड़े डॉक्टर अनिल बोंडे और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पुलिस विभाग की ओर से चारों तरफ भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में एक RPF कांस्टेबल ने अपने ही सीनियर ASI पर अंधाधुन गोलीबारी कर दी। इस घटना में ASI और 3 अन्य यात्रियों की गोली लगने से मौत हो गई। चेतन नामक कांस्टेबल ने फायरिंग की थी जिसे मीरा रोड से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। RPF जवान द्वारा फायरिंग करने की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है, मामले की जांच पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार सुबह करीब 5 बजे के दरमियान ट्रेन के B5 कोच में हुई। फायरिंग में 4 लोगों को गोली लगने से उनकी मौत हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना मुंबई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हुई जहां एक RPF कांस्टेबल चेतन कुमार ने अपने साथी ASI टीकाराम मीना पर फायरिंग कर दी। इस दौरान 3 अन्य यात्रियों को भी गोली लग गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने अपने सर्विस हथियार से ही गोली चलाई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलीबारी की वजह
अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल और उसके सीनियर एएसआई में किसी बात को लेकर तनातनी थी और कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद कांस्टेबल ने गुस्से में आग बबूला होकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिस वक्त फायरिंग हुई उस समय ट्रेन मुंबई के बीच दहीसर इलाके में थी। एनबीसी न्यूज के लिए अक्सान सारी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन खबरों में बस इतना ही। रोजाना ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज।